नंबर। हाँ जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सिकंदर आजम खान, कुलंबा फ्लाई समाजी वर्कर। मेरे साथ जनाब नहायत ही काबिल एहतराम हमारे तुलंबा की मौजूद शख्सियत कमर जट साहब, जनाब तुलंबा के सदाबहार काउंसलर चौधरी अब्दुलरहमान साहब, हमारे तुलंबा के सीनियर साहबी जैन साहब और हमारे तुलंबा खानेवाल के चीफ एग्जीक्यूटिव गुलाम नबी खरत साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं तुलंबा में बैठकर अब्दुल हकीम के मौजदीन और पूरे अब्दुल हकीम की आवाम और तुलंबा की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा वकुआ हुआ था कि दो फरीकैन तुलंबा का, एक फरीकैन थे चौधरी नूर मोहम्मद और अब्दुल हकीम से थे शकील सईदी साहब, इनके दरमियान में एक झगड़ा हो गया था और उनसे काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों की कोशिशों से, हमारे साथ राणा सगीर साहब भी थे हमारे तुलंबा के काउंसलर और भी कुछ दोस्त थे जिन्होंने कोशिश की रात दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोशिश में कामयाब हो गए कि चौधरी नूर मोहम्मद और शकील सईदी साहब, राणा शानी साहब और एक और थे क्या नाम था उनका, अकमल साहब, इन सब का आपस में हमने सुलह करा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका आपस में किसी किस्म का भी कोई तनाज़ा बाकी नहीं रहा है और इसी चीज़ का हम तमाम अहलियाने शहर तुलंबा और उन मौजदीन हजरात और अब्दुल हकीम के शहर के उन मौजदीन हजरात के जिन्होंने इस सुलह के अंदर अपनी अपनी जगह बैठ के जो किरदार अदा किया है, हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शैतान हार गया क्योंकि शैतान ही लड़ाई कराता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नत आज जिंदा हुई कि हमने दो फरीकैन के अंदर जो लड़ाई हुई थी उनमें हमने सुलह करा दी है। अब मैं एक अपील करूंगा DSP मियां चन्नू साहब, जनाब नासिर सियाद साहब से भी मैं अपील करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा हादसा, ये बहुत बड़ा एक वकुआ, अब्दुल हकीम के जो हमारे SHO साहब हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा और हमारे वो खानेवाल के थे हमारे मार सईद साहब, इन लोगों की भी ज़बरदस्त काविशें हैं, इन लोगों का पूरा किरदार है कि इन्होंने हमारे ज़िम्मे लगाया था कि इस मामले को जिस तरीके से भी सॉल्व करो, इस झगड़े को जिस तरीके से भी ये ख़त्म होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये झगड़ा ख़त्म हो चुका है और मैं अपने पुलिस के अफसरान से भी अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो अब ये थाने के और ये जो अब हमारे केस सिस्टम इनका है उसे भी अच्छे तरीके से निपटा दिया जाए ताकि दोनों फरीकान अपने अपने बच्चों में अपनी रोजी रोटी करें और अपने अपने घर खुश होकर खुर्रम होकर रहें।